इस वीडियो के जो पहला वाला वीडियो था, इस वीडियो पे मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू पिक ए स्टॉक, जहां पे मैंने 3M वाला जो मेथड मैं यूज करता हूं वो आपके साथ शेयर किया था। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, जो की फाइनेंशियल रेशियोज है उसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल रेशियोज हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल रेशियोज हमें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बताता है, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज होती है जो हमें कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में बताता है। तो ऐसे 10 फाइनेंशियल रेशियोज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ 5 फाइनेंशियल रेशियोज शेयर करूंगा और नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल रेशियोज जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पे आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन मनी। तो आज के इस वीडियो में बात हो रही है की फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। ये वीडियो 2 पार्ट में है, ये है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हम स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमेशा इन्फॉर्म्ड हो सके मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए अपने पर्सनल फाइनेंस में। तो यहाँ पे एक सवाल जरूर आता है कि ये जो फाइनेंशियल रेशियोज है इससे हमें क्या पता चलता है, क्या फर्क पड़ता है फाइनेंशियल रेशियोज जानने में। वेल, आपको एक चीज बता दूं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाता, क्योंकि वो हमेशा कोई टिप का सहारा लेता है, कोई किसी ने उसको बता देता है कि ये स्टॉक खरीदो, वो जाके वो स्टॉक खरीदता है बिना कुछ देखे समझे। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं पता, कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में नहीं पता, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस नहीं पता और हम लोग कंपनी पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर स्टॉक मार्केट एक बड़ा समुंदर है तो हम लोग बहुत ही छोटे मछली है और जो बड़े बिग शार्क है वो हमको निगल जाता है। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको फाइनेंशियल रेशियो जरूर जानना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज है, क्या सब आपको जानना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ 5 फाइनेंशियल रेशियोज आपके साथ शेयर करूंगा, जो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे की जो पॉइंट, जितने सारे पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये सब पॉइंट मैं बहुत ही इजी वे से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, डेट टू इक्विटी रेशियो या DE, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या OPM, EV टू EBITDA। और हमारे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, करंट रेशियो। जो पहला रेशियो है वो है PE रेशियो। ऑफ कोर्स ये बहुत ही फेमस है, आपने बहुत सुना होगा इस रेशियो के बारे में, बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं, टीवी में जो रिसर्च एनालिस्ट है वो भी PE रेशियो के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये पी रेशियो है क्या? पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे मिलता है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS। ये दो कर, ये एक फॉर्मूला है, ये करने से आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल जाता है। तो आपको और एक चीज बता दूं, आपको हर एक रेशियो ढूंढने के लिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बैलेंस शीट से जाने का जरूरत नहीं, आप सिंपली screener.in इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर लीजिए, सारी की सारी डेटा जो फाइनेंशियल डेटा है उस वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पी भी मिल जाएगा। इससे क्या होता है, हमारा जो फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस है, फाइनेंशियल डेटा और रेशियोस एनालिसिस है, ये इजी हो जाता है। तो आप जरूर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई पर्टिकुलर कंपनी का जो रेशियोज है वो निकाल के देख सकते हो। इस वीडियो में बहुत सारे स्लाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सारी स्लाइड screener.in से लिया गया है। तो PE का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका मतलब सिंपली अगर कंपनी से आपको 1 रुपया कमाना है तो आपको कितना रुपीस लगाना पड़ेगा उस कंपनी के पीछे। यहाँ पे 2 कंपनी का मैं एग्जांपल के तौर पे 2 कंपनी का नाम लेता हूँ। पहला है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसका PE है 34 और टाटा एलेक्सी जिसका PE है 60 के आसपास। तो इसका मतलब यह है अगर आपको टाटा कंसल्टेंसी से 1 रुपया कमाना है या टाटा कंसल्टेंसी को 1 रुपया कमाना है तो उसको 34 रुपीज यानी कि आपको एज एन इन्वेस्टर 34 रुपीज लगाना पड़ेगा। और सिमिलर जगह पे अगर आपको टाटा एलेक्सी से 1 रुपया कमाना है तो आपको 60 रुपीज लगाना पड़ेगा। तो सिंपली अगर आप देखें यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या TCS ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम पैसे से 1 रुपया कमा के देता है। जहां पे आप टाटा एलेक्सी को देखोगे यहाँ पे आपको 60 रुपीज लगाना पड़ता है 1 रुपया कमाने के लिए। लेकिन ये बहुत ही सिंपल वे ऑफ वैल्यूएशन है,
ये एक प्रेफर्ड वे नहीं है वैल्यूएशन, ये सिंपली आप ये पी देख के एटलीस्ट पता चलता है कौन ज्यादा पी डिमांड कर रहा है, यानी कि कौन ज्यादा एक्सपेंसिव है और कौन कम पी डिमांड कर रहा है या कौन लेस एक्सपेंसिव है। तो कभी भी आप जब पी रेशियो का इस्तेमाल करते हो अपने फंडामेंटल एनालिसिस पे, तो आपको देखना पड़ता है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का जो हिस्टोरिकल पी है वो कैसा था, और उस इंडस्ट्री का पी जो एवरेज पी है वो कैसा है। एक एग्जांपल देता हूँ, टीसीएस का जो अभी पी है वो 34 है, लेकिन टीसीएस का जो हिस्टोरिकल पी था वो 50 था, यानी कि 50 पी था इन द पास्ट, लेकिन अभी ये पी डिमांड कर रहा है 34। और जो लाइक एज यू नो टीसीएस कौन सा इंडस्ट्री में, आईटी, आईटी इंडस्ट्री का जो ओवरऑल पी है वो है 40। तो ये दोनों के कंपैरिजन से आप देख सकते हो टीसीएस अंडर वैल्यूड है व्हेन इट कंपेयर टू इस हिस्टोरिकल पी और एंड व्हेन इज कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्री पी। पहले भी मैंने आपको बताया था कि पी एक बहुत ही सिंपल वे ऑफ वैल्यूएशन है। कंपनी अगर अपने बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा डेट या लाइबिलिटीज जोड़ ले तो पी एक्सपैंड कर सकता है, तो इसीलिए पी इज नॉट अ प्रेफर्ड वे ऑफ वैल्यूएटिंग अ कंपनी। ये आपको एक रफ आइडिया देता है वो कंपनी एक्सपेंसिव है व्हेन इन कंपेयर विद इट्स पीयर्स और व्हेन इन कंपेयर विद द इंडस्ट्री, लेकिन ये आपको एक परफेक्ट पिक्चर नहीं देता। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है जो इस्तेमाल करके आपको एक जनरल सा आइडिया मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कि कोई एक कंपनी के खाते में उस कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या है। इसका मतलब अगर कल को कोई कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया तो एज अ इक्विटी होल्डर आपको कितना पैसा मिलेगा, वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाने के वजह से जब इंसॉल्वेंसी हो जाएगा तो आपको एज एन इक्विटी होल्डर कितना पैसा मिलेगा, ये आपको सिंपली बुक वैल्यू से मिलता है। यहाँ पे मैं आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बुक वैल्यू है 234 और कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 3080। 3080 डिवाइडेड बाय 234, ये करने से आपको प्राइस टू बुक वैल्यू मिल जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू ये यूज होता है कोई कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू कम होगा तो इसका मतलब है वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो कंपनी एक्सपेंसिव है। तो आपको कैसे पता चलेगा कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये कम या ज्यादा है। सिंपल थिंग है, आप उस कंपनी को अपनी पीयर्स यानी अपने कंपटीटर से कंपेयर कीजिए, तब आपको इसका एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को टाटा एलेक्सी से कंपेयर किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 13.2 और टाटा एलेक्सी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 16.4। तो इस स्लाइड से आप देख सकते हो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज चीप है व्हेन इट्स कंपेयर्ड विद टाटा एलेक्सी। तो अगर आप कोई भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो निकाल रहे हो तो उस कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उसे आप उसकी जो कंपटीटर उसके जो पीयर्स है उससे कंपेयर कीजिए, और वहां से और जो इंडस्ट्री का एवरेज है उससे भी कंपेयर कीजिए, वहां से आपको एक आइडिया मिलता है कि क्या वो कंपनी एक्सपेंसिव है या वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। यहाँ से आपको एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलता है। तीसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो। एज इट साउंड्स डेट टू इक्विटी रेशियो बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो दिखाता है। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी का डी बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब उस कंपनी का डेट ज्यादा है, उस कंपनी के पास लोन ज्यादा है। कंपनी के पास डेट ज्यादा होने का मतलब ये है कि उस कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने लेंडर्स को। इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में कम होगा, वो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा ऐसे कंपनी ढूंढना चाहिए जिसका जो डेट टू इक्विटी या डी एक से कम हो। द आइडियल नंबर इज 1। अगेन आपको उस इंडस्ट्री के जो पीयर्स है या उस कंपनी का जो कंपिटिटर है उसके साथ आपको कंपेयर करना चाहिए। अगर मेरे को एक आइडियल नंबर मांगोगे डी का तो मैं आपको बताऊंगा आपको हमेशा ऐसे कंपनी के साथ जाना चाहिए जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 1 हो। आप इस स्लाइड पे देखिए टाटा एलेक्सी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.05 है, जहां पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.09 है। तो टाटा एलेक्सी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इन दोनों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो एक से कम है। आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है जो कंपनी आप चूज करोगे उसका डेट टू इक्विटी रेशियो एक से ज्यादा ना हो। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 या 3 हो तो ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। 4 नंबर पे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिसे हम ओपीएमडी कहते हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि उस कंपनी का जो एफिशिएंसी है और उस कंपनी का जो प्राइसिंग पावर है वो कितना स्ट्रांग है वो दिखाने के लिए। कोई कंपनी अपनी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके उसे फाइनल गुड्स में कैसे कन्वर्ट करता है, कितना एफिशिएंटली कन्वर्ट करता है, वो ओपीएम से पता चलता है। कोई कंपनी के पास अगर स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू या एक स्ट्रांग मोट होगा वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है अगर हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात होगा, एज एन इन्वेस्टर वो आपके लिए भी एक अच्छी चीज है। आपको हमेशा ऐसे कंपनी चूज करना चाहिए जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई हो, और सिर्फ इतना ही नहीं आपको उस कंपनी का जो हिस्टोरिकल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो चेक करना चाहिए। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो हमेशा याद रखिए हायर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटर इट इज फॉर यू एज एन इन्वेस्टर। तो इस स्लाइड पे आप देख सकते हो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 28.3 है और टाटा एलेक्सी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 28.6 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा एलेक्सी अच्छा कर रहा है व्हेन इन कंपेयर विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। लेकिन अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना है तो उसे आपको दूसरे जो पीयर्स या कंप्यूटर है उससे कंपेयर करना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने FCS सॉफ्टवेयर जो है उसका एग्जांपल लिया और उसका उसके साथ मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपेयर किया। FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 2.24 है जो कि बहुत ही कम है व्हेन इन कंपेयर विद टाटा एलेक्सी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिखता है टाटा एलेक्सी एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वुड बी अ बेटर चॉइस व्हेन यू चूज टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ दोस। तो आशा है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में पता चला होगा। द ग्रोइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज बेटर फॉर एन इन्वेस्टर। पांच नंबर पे है ईवी बाय ईविटा। ईवी यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू, यानी कि कोई पर्टिकुलर कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, उसका मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू अलग अलग होता है, और एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। और EBITDA का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिशिएशन एंड amortization, तो इसे हम कहते हैं EBITDA। तो पहले समझते हैं कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकाला जाता है। एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए उस कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके साथ उस कंपनी की बैलेंस शीट में जो भी डेट है उसे आप जोड़ लीजिए और उससे जो कैश या कैश इक्विवेलेंट है उसे निकाल दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो आपको TCS का एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश इक्विवेलेंट, ये करने से आपको एंटरप्राइज वैल्यू जो कि है 11,37,959 करोड़, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अब का एंटरप्राइज वैल्यू है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पी में क्या होता है, पी में अगर कोई कंपनी अपने बैलेंस शीट में डेट जोड़ता है तो पी एक्सपांड होता है। लेकिन अगर आप पी के साथ ईवी टू ईविटा को कंपेयर करके कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हो तो इस मामले में आपका वैल्यूएशन ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि ईवी टू ईविटा में डेट इंक्लूडिंग होता है। जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो ईवी टू ईविटा जो रेशियो है वो बिलो 10 पसंद करता है, लेकिन अगेन उसका कोई सेट पैरामीटर्स नहीं है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो तो आप उसका जो कंपिटिटर है, जो पीयर्स है, उसके साथ उसे कंपेयर कीजिए। जो लोएस्ट ईवी टू ईविटा रेशियो होगा वो बेटर होता है, और हाईएस्ट ईवी टू ईविटा रेशियो का मतलब है वो कंपनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसका वैल्यूएशन ज्यादा है, और लोएस्ट ईवी टू ईविटा रेशियो ये दिखाता है कि वो कंपनी कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड है व्हेन इन कंपेयर विद इट्स पीयर और व्हेन इट कंपेयर विद इट्स कंपटीटर। तो इस स्लाइड पे आप देख सकते हो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो ईवी टू ईविटा रेशियो है वो 22.9 है और टाटा एलेक्सी का जो ईवी टू ईविटा रेशियो है वो 38.1 है, और इससे आपको दिखता है कि टाटा एलेक्सी ज्यादा एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन के मामले में when it's in compare with Tata Consultancy Services। तो आज के लिए मैं आपके साथ ये पांच जो financial ratio है ये share किया। अगले वाले जो next video आएगा उस पर और पांच financial ratios share करूंगा। ये जो 10 financial ratios है ये कोई भी retail investor को जानना चाहिए। तो conclusion में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप एक small या retail investor हो आपको हमेशा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेक करना है, क्योंकि आपका हर्ड अर्न मनी है और आप स्टॉक मार्केट में जाते हो पैसा कमाने के लिए, नॉट टू लूज मनी, यू आर गोइंग देयर टू अर्न मनी। तो हमेशा आपको ये जो सारी चीज है, कोई कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसा है, ज्यादा डेट तो नहीं है, क्या कंपनी आगे जाके डूब जाएगा, जब अच्छे टाइम आता है, जब मार्केट में बुल रन आता है ना, तब जंक भी दौड़ने लगता है, लेकिन जब मार्केट में क्रैश होता है तब जो बेसिकली जो स्ट्रांग फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है
वो ही कंपनी आपको बचाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा ऐसे कंपनी को चूज करना चाहिए जिसका रेशियो स्ट्रांग हो, जिसका फाइनेंशियल स्ट्रांग हो। और ये जो रेशियोज बताया मैं आपको, ये आपको मदद करता है एक फाइनेंशियली साउंड कंपनी को पिक करने में। आशा है इस वीडियो से आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखता हो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।